बैंकॉक इज अ प्लेस फॉर शॉपिंग एंड एंजॉइंग स्ट्रीट फूड. सो कभी भी आप लोग अगर बैंकॉक आइएगा तो यहाँ का शॉपिंग एंड स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई कीजिएगा. ये है प्रोटीनियम मार्केट विच इज जस्ट नियर टू बायोक स्काई होटल, दैट इज द टॉलेस्ट होटल इन बैंकॉक जहाँ पे मैं ठहरी हुई हूँ. और यहाँ का सामने मैं इसीलिए ठहरती हूँ क्योंकि यहाँ का शॉपिंग एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है. सुबह के 5 बजे से रात के 12 बजे तक खुला रहता है. सो आज आप लोगों को मैं लेके चलूँगी यहाँ का शॉपिंग जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ये मॉर्निंग मार्केट है. ये सुबह 5 बजे को खुल जाती है टिल इवनिंग 5 o'clock. और इसमें आप लोग को वैरायटी से सामान मिलेगा मैं जो आप लोगों को दिखाती चलूँगी. तो चलिए मेरे साथ करते हैं आज जम के शॉपिंग. दिस प्रोटीनियम मार्केट इज एट रचा प्ररूप रोड. और यहाँ पे देखिए कितने सारे वैरायटी है एंड द क्लोथ्स आर सो अमेजिंग, द मटेरियल्स आर सो अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड आपको मैं वैरायटी दिखाती जाऊँगी. देखिए कितना सारा यही सब यहाँ से खरीद के लोग लेके जाके मॉल्स में बड़े बड़े दामों में बेचते हैं. You won't believe these tops are for only 100 baht. ऐसे dresses भी बहुत सुंदर सुंदर dresses मिल जाते हैं 180 baht में. अगर आप लोग 3 pieces खरीदते हैं since it's a wholesale market, so उसके लिए भी आप लोगों का rate और भी कमती हो जाता है. So this is a place where you can you know come and explore and get some fantastic trendy clothes. Basically ज़्यादातर तो ladies market है. This is a ladies market basically. और जो material है as I said is just wonderful. So चलिए थोड़ा सा विंडो शॉपिंग कर लेते हैं. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. सो अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग अगर कुछ गिफ्ट्स लेना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्लिप्स, क्लचेस, क्रंचीज ये सारे हैं. एंड बहुत सारे वैरायटी में हैं. एंड आई जस्ट लव दीज बैग्स. सो आई एम गोइंग टू पिक फ्यू ऑफ दीज बैग्स फॉर माई फ्रेंड्स एंड ऑल एज अ फॉर गिफ्टिंग पर्पज. ये बहुत सस्ता में भी आ जाता है, 500-400 बाहत में आ जाता है. सो दीज आर सम वेरी नाइस गिफ्ट्स दैट यू कैन कैरी फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. लुक एट दिस, सच अ ब्यूटिफुल वन. इतने सारे बो है यहाँ पे, ऑल टाइप ऑफ ऑल कलर्ड बोज, डिफरेंट टाइप ऑफ बोज, डिफरेंट डिज़ाइन बोज. मेरे 2 बेटियाँ हैं सो मुझे इनको सजाने के लिए बहुत काम आएगा तो मैं काफ़ी सारा मैं पिकअप करने वाली हूँ यहाँ पे. ये देखिए की चेन्स, दीज आर ओनली फॉर 50 baht विच यू कैन यू नो गिफ्ट टू योर फ्रेंड्स इन ऑल. एंड ये रिंग्स क्लिप्स ओनली फॉर 10 baht. सो बहुत सस्ता है यहाँ का मार्केट. अगर आप लोग आके काफ़ी सारा शॉपिंग करके ले जाना चाहते हैं तो आके एक्सप्लोर कर सकते हैं. अलॉन्ग विथ शॉपिंग यू कैन एन्जॉय द स्ट्रीट फूड. यहाँ पे ऐसे स्टिकी राइस और चिकन स्टिक्स ऐसे मिल जाते हैं. सो पीपल आउट हियर दी यू नो शॉपकीपर्स एंड ऑल द अर्ली इन द मॉर्निंग दे हैव राइस विद दीज चिकन एंड ऑल. सो इट्स समथिंग यू नीड टू बी सीन.
I have come to this market early in the morning because after some time, like 7:30, 8 o'clock, ये market पूरा jam pack हो जाता है और आप आराम से shopping भी नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए मैं सुबह सुबह आई हूँ कि आप लोगों को भी आराम से मैं यहाँ का collection दिखाऊँ और मैं भी आराम से थोड़ा सा shopping कर लूँ. तो इसी वजह से मैं सुबह सवेरे आ गई हूँ. And you know, the shopkeepers from all part of the world, they come and they buy in bulk and they take to their own countries and sell it at higher price. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंडी कपड़े मिलते हैं और मैं भी इसी खोज में आई हूँ कि मुझे थोड़ा सा ट्रेंडी कपड़े मिल जाए और मैं कुछ यू नो थोड़ा कलेक्शन मेरे वार्डरोब के लिए भी कर लूँ. एंड ऑन दिस नोट, अभी मैं यहाँ से साइन आउट करके मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ जहाँ पे नाइट मार्केट होता है और नाइट फूड मार्केट. बेसिकली आई एम टेकिंग यू टू द नाइट फूड मार्केट. तो चलिए अभी चलते हैं वहां पे. ये है एक बहुत बड़ा फूड मार्केट जो कि प्लैटिनम मॉल के बिल्कुल पास है. यहाँ पे काफी सारे फूड स्टॉल्स हैं और वैरायटी ऑफ फूड डिस्प्ले हैं. तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है. थाईलैंड इज फुल ऑफ सी फूड, सो सी फूड खाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है. स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉन्स टू स्क्वीड, ऑक्टोपस, क्रैब, सब कुछ अवेलेबल है. इवन द जूस, आई जस्ट लव देयर जूस. बहुत बहुत फ्रेश होता है, बहुत इकोनॉमिकली प्राइस भी होता है और ये लोग सामने आप लोगों को फ्रेश जूस बना के देंगे जो कि बहुत अच्छा है. यहाँ पे देखिए कट फ्रूट्स अवेलेबल है, बहुत सारे कट फ्रूट्स, एग्जॉटिक टाइप ऑफ फ्रूट्स आर ऑल्सो अवेलेबल आउट हियर. कुछ ड्राई फ्रूट्स भी अवेलेबल है, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स चाहिए तो वो भी मिलते हैं. सम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स विच यू हैव नॉट है ना हैड अर्लियर. मुझे एक जैक फ्रूट दिखाई दिया जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था. एंड दीज जैक फ्रूट्स आर सो टेस्टी. एंड देर आर यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बनानाज. इवन दीज आर सम टाइप ऑफ पैन फ्राइड पराठा टाइप. दीज आर सम कॉर्न पराठाज आई विल कॉल इट. एंड देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्राइड राइस. ये देखिए यहाँ पे कुछ सी फूड फ्राइड राइस है, चिकन फ्राइड राइस है, प्लेन फ्राइड राइस है, वेजिटेबल फ्राइड राइस है. सो अलग अलग टाइप के फ्राइड राइस भी मिलते हैं. एंड बैंकॉक इज़ अ ऑप्शन ऑफ वैरायटी ऑफ नॉन वेज फूड. सो बेसिकली नॉन वेज के लिए माहिर है, सी फूड के लिए ये माहिर है. यहाँ पे बहुत सारे सी फूड आप लोग आके यू नो यू ऑल कैन ट्राई. दीज आर क्रैब्स, क्रैब स्टिक्स एंड ऑल. सो ये देखिए प्रॉन्स है, स्क्वीड्स है. ये सारा खाना देख के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और जोरों से भूख लग रही है मुझे. सो नाउ आई विल स्टार्ट ईटिंग. एंड ऑन दिस नोट आई विल साइन आउट फॉर टुडे. होप यू हैव लाइक दिस वीडियो ऑफ माइन. एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो ऑफ माइन, प्लीज डू नॉट गो अवे विदाउट प्रेसिंग द लाइक बटन एंड शेयर. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग. मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो लेके. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.